तो थ्योरी पे छोड़ा था ना, थ्योरी क्या था? अगेन हमारी बात थी, हमारी नहीं मेरी। मैंने बोला कि द फर्स्ट वन आपका है ऑब्जर्वेशन। ऑब्जर्वेशन से आप पहुंचते हैं थ्योरी पे, थ्योरी से आप पहुंचते हैं एक्सपेरिमेंट, एक्सपेरिमेंट पे, एक्सपेरिमेंट से आप पहुंचते हैं रिजल्ट पे, और रिजल्ट से आप दोबारा कहाँ पहुंचते हैं? वेरिफिकेशन। किस चीज़ की वेरिफिकेशन? कि ये जो आपकी थ्योरी थी वो सही है या नहीं। अगर ये सही होता है, ट्रू होता है, तो ये वाली जो थ्योरी है आपकी वो कहलाती है लॉ। और अगर ये सही नहीं होता, अगर फॉल्स हुआ, थोड़ा गंदा बना दिया मैंने, अगर फॉल्स हुआ तो ये रास्ता दोबारा हमारे ऑब्जर्वेशन पे आता है, दोबारा ऑब्जर्वेशन। क्यों थ्योरी गलत रही? हम थ्योरी गलत होने का मतलब यही हुआ ना कि आपने या तो आंकड़े सही लिए हैं और उसको सही से लिख नहीं पा रहे, समझ नहीं पा रहे कि आखिर में ये कैसे रिलेटेड है। जैसे मैथ का कोई क्वेश्चन होता है ना, कि हमें पता है कि ये किस फॉर्मूले से होगा, बट सोच नहीं पाते कि वो कैसे होगा। तो या तो उसमें गड़बड़ी रही होगी कि थ्योरी ठीक नहीं बन पा रहा, या फिर आपके ऑब्जर्वेशन में गड़बड़ी रही होगी। तो यहाँ से दो रास्ते निकलते हैं कि अगर सही नहीं हुआ तो या तो आप थ्योरी को दोबारा मॉडिफाई करोगे, सोचा जाएगा दोबारा कि और क्या कारण हो सकता है, नहीं कातिल वो नहीं है तो और क्या तरीके हो सकते हैं, और कोई आंकड़ों में कोई गड़बड़ी है क्या, क्या ऐसा है क्या, वहाँ कोई और प्रमाण है और कोई एविडेंस है वहाँ पर जो रह गया हो, जैसे स्पेस में हम देख रहे हैं। तो जरूरी नहीं है ना कि सारी चीज़ों को हमने देख लिया होगा, ऑब्वियसली जरूरी नहीं है कि हमने सारी चीज़ों को देख लिया होगा। तो जितने भी चीज़ को देखा होगा वो काफ़ी हो सकता है, वो काफ़ी ना हो एक्सप्लेन करने के लिए, रीजनिंग करने के लिए, है ना। तो ऐसी स्थिति में हम या तो थ्योरी को मॉडिफाई करते हैं या फिर हम अपने आंकड़ों पे, दोनों चीज़ें एक साथ चल रही होती है, कि हम ऑब्जर्वेशन का भी ध्यान रखते हैं कि शायद ऑब्जर्वेशन में ही गड़बड़ी हो गई होगी, या और हम थ्योरी पे भी ध्यान लगाते हैं कि क्या कोई और लिंक हो सकता है, कोई और तरीका हो सकता है उसको बोलने का, है ना। फिर मैंने एक्सपेरिमेंट बताया, फिर वो लॉ बन जाता है। अगर वेरीफाई हो गया, सही साबित होता है, हर बार हम एक्सपेरिमेंट करते हैं और हर बार वो थ्योरी हमारी सही साबित होती है अकॉर्डिंग टू द जजमेंट। जैसे ओम्स लॉ का एग्जाम्पल लिया था, जिसमें क्या बताया था मैंने, ओम्स लॉ पता होगा आपको, ओम्स लॉ क्या होता है। तो उसमें मैंने क्या क्या हमने वेरीफाई किया ओम्स लॉ में, हमने यही वेरीफाई किया ना कि वोल्टेज बढ़ाने से करंट बढ़ता है, तो वोल्टेज को डबल कर देंगे करंट डबल हो जाएगा। अगर ये बात बार बार सही साबित होती है तो इसका मतलब वो ओम्स थ्योरी नहीं, वो ओम्स लॉ है, समझ रहे हो। बिग बैंग थ्योरी, कि ये यूनिवर्स की शुरुआत कैसी हुई, तो हम इसको थ्योरी क्यों बोलते हैं? बिग बैंग थ्योरी पता है क्या आपको, ये कि ये दुनिया की जो शुरुआत है, इस दुनिया के नहीं, पूरे यूनिवर्स की जो शुरुआत है कोई बैंग से हुआ था, कि स्पेस में जो चीज़ें हों वो एक्सपेंड होते हुए नज़र आती हैं। तो कभी ना कभी अगर एक्सपेंड होते हुए नज़र आ रही हैं तो शायद कभी कोई वक्त रहा होगा कि सब एक साथ सारी चीज़ें इकट्ठी होंगी होंगी। अब ये थ्योरी है और आप इसको, इसका एक्सपेरिमेंट भी नहीं कर सकते, तो कोई और तरीका लगाएंगे, मतलब दोबारा से वो यूनिवर्स की वैसी स्थिति आप नहीं बना सकते जो बैंग करके दिखाए, और जब टाइम भी नहीं था, समझ रहे हो, मतलब
ओहो देखो बैंक हो गए। ओए हाय कितने बैंक कर रहा है। बाइक गई, बाइक बाइक पास से बाइक चली गई। 4-5 बार यूनिवर्स बना के चला गया वो बंदा। ओके कोई बात नहीं। देखो तो बिग बैंग थ्योरी क्या था, थ्योरी ही बोलते हैं इसको कि थ्योरी। तो पहले ये था कि ऐसा कहा जाता है अकॉर्डिंग टू ऑब्वियसली फिजिसिस्ट, वो महान वैज्ञानिक, कि ये यूनिवर्स की शुरुआत जो है वो बैंक से हुई। स्पेस में सारी चीज़ें ना वो दूर जा रही हैं, तो उनका मानना है कि कभी ना कभी ये सारी चीज़ें एक पॉइंट पे कभी रहा होगा, और उस वहाँ कोई एक्सप्लोजन हुआ, तब टाइम और स्पेस का भी शुरुआत हुआ। टाइम भी नहीं, उस समय टाइम भी नहीं था। अब इसी में हमारे क्वेश्चन ही क्वेश्चन है बहुत सारे कि कहाँ हुआ। तो कहाँ जैसे ही बोल दोगे, कहाँ जैसे ही बोल दोगे तो क्वेश्चन ही गलत है, कि कहाँ बोलोगे तो कहीं ना कहीं हुआ होगा। कहीं ना कहीं हुआ है तो कोई जगह हो गई, जबकि आप ये कह रहे हो कि शुरुआत ही स्पेस एंड टाइम, जगह भी नहीं था और टाइम भी नहीं था। वो वाला टाइम नहीं, टाइम ही नहीं था, और वो बैंक से बोल रहे हैं कि सब कुछ बैंक से शुरू हुआ। अब इस बात को आप प्रूफ कैसे करेंगे, दोबारा से यूनिवर्स बनाने वाली स्थिति को कैसे पता करेंगे? तो हम इसको बिग बैंग थ्योरी बोलते हैं। थ्योरी समझ रहे हो ना, क्योंकि अभी भी ये प्रूफ नहीं है कि ऐसा ही हुआ होगा, तो ये थ्योरी ही रहेगा, क्योंकि इसको आप एक्सपेरिमेंटली वेरीफाई भी नहीं कर सकते। अगर ये सच है, अगर ये सच प्रूफ हो जाए एक्सपेरिमेंटली, अगर हम इसके सच्चाई को अगर हम स्टैब्लिश कर दें, तो ये कहलाएगा लॉ। आई बात समझ में? आया समझ में? आ गया होगा। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन थ्योरी एंड लॉ? तो थ्योरी इज अ रफ गैस एंड लॉ इज द नेचर्स फैक्ट। थ्योरी जो होता है वो, सुन रहे हो ना मेरी बात? अरे बीच में बोल दिया करो यार, 2 दिन हो गए, 2 दिन लगातार मैं ऐसे ही बोले जा रहा हूँ, बीच शायद मजा आ रहा होगा। ओके कोई बात नहीं, हम तो बहुत ही काम की चीज है, समझा रहा हूँ। इसीलिए देखो मैंने क्या बताया आपको, थ्योरी बताई। थ्योरी इज रफ गैस, इट कैन बी ट्रू और इट कैन बी कंप्लीटली फॉल्स। कंप्लीटली फॉल्स भी हो सकता है। अब मुझे डेट याद नहीं है, पहले ये समझा जाता था कि अर्थ सेंटर में है, और इस पूरे ब्रह्मांड में जो भी चीजें हैं ना, वो सब सभी अर्थ के चक्कर लगा रही है। सन, प्लूटो, वो तो बहुत दूर है, कौन और बोलो, नेपच्यून, मरकरी, वीनस, मार्स, सब जो है अर्थ के चक्कर लगा रही है। अर्थ इज एट द सेंटर, ये ऐसा माना जाता था, बट ऐसा नहीं है ना। इसके ऊपर, इस बात के ऊपर तो पूरी का क्या, पूरा का पूरा, पूरी का पूरी नहीं, पूरा का पूरा कल्चर बना हुआ था। जब गैलीलियो ने इस बात को खारिज किया, आपके एनसीईआरटी में कहीं लिखा हुआ है, 4th चैप्टर 8th चैप्टर में कहीं, कि गैलीलियो को इस बात के लिए ही वॉज प्रोसिक्यूटेड, समझ रहे हो? उन्होंने ये कह दिया था कि अर्थ सेंटर में नहीं है, मतलब जो ये थ्योरी थी पहले अर्थ का सेंटर होना, लेकिन गैलीलियो ने ये कह दिया कि अर्थ सेंटर में नहीं है, सन सेंटर में है, और बाकी सारी चीज़ें, बाकी सारे नहीं, और ये प्लैनेट्स, कुछ सेलेस्टियल बॉडीज, प्लैनेट्स के अलावा और जो एस्टेरॉइड्स वगैरह जो होते हैं, मेटेरॉइड्स, ये सब जो है वो सन के आसपास चक्कर लगा रहे हैं, और अर्थ, ये धरती कोई बड़ी चीज़ नहीं है, इट इज जस्ट वन प्लैनेट।
जो सन के आसपास घूमती है। सन अर्थ से बड़े भी प्लैनेट्स हैं, अर्थ से छोटे भी प्लैनेट्स हैं, लेकिन अर्थ एक जस्ट वन ऑफ द टाइनी प्लैनेट जो कि सन के इर्द गिर्द घूम रहा है। इससे ना वहाँ पर जो इसे आस्था को बहुत ठेस पहुँच गया और उनको घसीटते हुए कोर्ट में ले जाया गया इस बात के लिए, समझ रहे हो? उन्होंने वहाँ के लोगों की आस्था को ठेस पहुँचा दिया। जैसे हमारे यहाँ भी सूर्य देव होते हैं ना, सूर्य देव, अग्निदेव, इंद्रदेव, हम ज़्यादा सीरियस लेते हैं क्या इस बात को? पता नहीं, सोच लो आप इस बात को, मतलब कनेक्टेड लोग थे तो उन्होंने इस फैक्ट को बदला, बदला नहीं, ऑब्जर्व किया, डिस्कवर किया, बदला नहीं, डिस्कवर, इसलिए तो वर्ड बोलते हैं डिस्कवर किया, कि पहले थ्योरी कुछ और था, अब वो कंप्लीटली गलत हो गया, अब कुछ और है। पहले सन सेंटर में था, सॉरी अर्थ सेंटर में था, अब सन सेंटर में, देख रहे हो ना, एकदम ही बदल गया। तो थ्योरी कैन बी रॉन्ग एंड व्हेन इट बिकम्स राइट आफ्टर द रिग्रस एक्सपेरिमेंट एनालिसिस और क्या बोलते हैं वेरिफिकेशन करने के बाद अगर वो सही साबित होता है तो एक्चुअली में ये नेचर की सच्चाई है, वो डिस्कवर हो गई, वो छुपी हुई दास्तां निकल के सामने आ गई लोगों के बीच, कम से कम उन लोगों के बीच, तो उसका नामकरण कर दिया जाता है, नए नए थ्योरी, नई नई सच्चाई जो नेचर ने हमारे आंखों से ओझल था उसका नामकरण, अब उसको लॉ बोलते हैं, फिर लॉ बोलते हैं उसी को। लॉ इज नेवर 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 ही होगा, नेवर रॉन्ग। अगर लॉ उसको बोल रहे, अब जो नियम के अनुसार जो है लॉ जो है वो कभी गलत नहीं होता, बल्कि हमें ये कहना चाहिए कि थ्योरी उसको बोलते हैं जो अंडर प्रोसेस है, जिसके बारे में अभी भी एक्सपेरिमेंट्स किए जाते हैं और वो प्रॉपरली दैट इज़ नॉट 100% करेक्ट। अगर ऐसी स्थिति बनती है तो वी हेजिटेट टू कॉल दैट थ्योरी टू बी अ लॉ, समझ रहे हो ना? क्या बोला मैंने? मैंने बोला कि अगर बार बार एक्सपेरिमेंट करने पर, हजार बार एक्सपेरिमेंट किया और वो 999 बार सही जाता है, एक बार नहीं जाता, तो हम इस मर्यादा का ध्यान रखते हैं कि वो लॉ नहीं है, हो सकता है कि हमसे कोई चूक हुई हो सकता है कि हमारी ऑब्जर्वेशन में ही कुछ त्रुटि हुई हो, हम बायस्ड हो गए हों, हमारा आँख सही से देख ना पाया हो, हमारे कान सही से सुन ना पाए हों, हम ऐसा मान लेते हैं और उसको थ्योरी ही रहने देते हैं, समझ रहे हो ना बात को? और व्हेन वी आर 100% श्योर कि ऐसा होता है तभी कॉल इट अ लॉ, ठीक है? होपफुली समझ में आया हो, इतना जानने की क्या जरूरत है इसमें? पता नहीं, लेकिन एक माइंडसेट बनता है ना, पढ़ते 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 इतने सारे आप लॉज पढ़ने वाले हो, फिजिक्स में, केमिस्ट्री में, लॉज, प्रिंसिपल्स, थ्योरीज। प्रिंसिपल एक तो रह गया, प्रिंसिपल, देखो प्रिंसिपल, पहले प्रिंसिपल बताता हूँ क्यों पढ़ना जरूरी है, माइंडसेट बनता है। आप इतना सारा पढ़ोगे तो आपको ये समझ में आएगा, प्रोसेस समझ में आएगा कि कब ये ऑब्जर्वेशन की बात कर रहे हैं, कब वो थ्योरी की बात कर रहे हैं। व्हेन यू गो थ्रू ना एनसीईआरटी, एनसीईआरटी तो प्रेजेंटेशन ही मस्त है उसमें ना। डायरेक्ट डेफिनेशन देखा कभी? डायरेक्ट डेफिनेशन नहीं देते, 9th 10th की अगर बुक पढ़ी हो एनसीईआरटी वाली, अब सब तो जाते हैं रेफरेंस बुक खरीद लिया, डेफिनेशन मिल गई, क्वेश्चन आंसर मिल गया वहीं से, मैं ये नहीं कह रहा हूँ रट्टा मार लिया, लेकिन याद भी उसी को हो जाता है जिसको समझ में आता है। लेकिन अब सही वो मैं आपको नहीं बोल रहा हूँ यार, कोई भी हो सकता है वो जिस जिसके लिए है वो बात, कि एनसीईआरटी से आप जा रहे हैं ना तो उसकी जो प्रेजेंटेशन है वो आपको ना लाइव करवाती है उस चीज़ को, आपके इमोशंस के अंदर घुस जाती है
और आपको फील करने के लिए ऐसे ऐसे शब्दों का इस्तेमाल करेगी ना कि आपको फील आएगा उसमें कि आपके सामने ही हो रहा है। सही सवाल पूछेंगे, सही थॉट जहाँ पर आपको सोचना चाहिए, जहाँ देखना चाहिए वहाँ पर उसकी बात करें, तो आपको ना पूरा एक्सपीरियंस होगा। किस चीज़ का एक्सपीरियंस? आपको पूरा एक्सपीरियंस होगा कि व्हेन दे आर टॉकिंग अबाउट ऑब्जर्वेशन, व्हेन दे आर टॉकिंग अबाउट बिल्डिंग अ थ्योरी, व्हाट वाज द बेसिस टू बिल्ड दैट थ्योरी, व्हाई दे डू नॉट चूज दैट पर्टिकुलर फैक्ट। समझ रहे हो? क्यों उन्होंने वो चुना, क्यों उन्होंने वो नहीं चुना, वो सारा बात डिटेल में आपको ठूंसते नहीं है, इस तरह से परोसते हैं कि आपको पढ़ के अच्छा लगेगा। यू विल रियलाइज, अभी हम पढ़ रहे हैं ना, आप ये सारी चीज़ें रियलाइज करोगे वहाँ पर। ओके फिर हमने थ्योरी की बात की, अभी ऑब्जर्वेशन थ्योरी, एक्सपेरिमेंट की बात की हमने। एक रह गया प्रिंसिपल है। प्रिंसिपल क्या चीज़ है? आर्किमिड्स प्रिंसिपल। व्हाई डू वी कॉल, क्यों कहते हैं प्रिंसिपल? प्रिंसिपल जो है ना, इसके लिए एक मैं वर्ड अगर मैं बोलूं, एक मिनट जो, एक मिनट, इसको मैं थोड़ा मिटा देता हूँ। अरे मिट जा, बड़ी खुशी से मिटा दे, मिटा नहीं। ओके देखो, प्रिंसिपल जो वर्ड है ना, प्रिंसिपल एक हो गया आपका थ्योरी, लॉ लिखा, लो बोला, लो लिखा थ्योरी, क्या है? बोला मैंने थ्योरी, लिखा लॉ, अभी भी मैंने उल्टा ही बोला है। एक होता है आपका लॉ, जो आपको समझ में आया होगा, लॉ, अब नहीं बोल रहा मैं। फिर एक होता है आपका थ्योरी, थ्योरी थ्योरी थ्योरी, किसको सुना था मैंने ये बोलते हुए? ट्रेन की कहानी है, ट्रेन। अरे हट जा बच्चे, ये कहाँ से आ गया? ट्रेन की कहानी, थ्योरी बोल रहा था बंदा, थ्योरी, ओ साउथ का था। एंड एक और है आपका, चल जा, ये परेशानी करने लग जाता है। एक है आपका प्रिंसिपल। अब मैं प्रिंसिपल पे, प्रिंसिपल, स्पेलिंग सही लिखी है ना मैंने, प्रिंसिपल। लॉ इज 100%, देखो मुझे डर लग रहा है बोलने में, 100% करेक्ट। मैं हमेशा डाउट में रहता हूँ, सॉरी, मैं हमेशा डाउट में ही रहता हूँ। तो चलो बुक की भाषा में बता देते हैं आपको, लॉ जो है वो 100% करेक्ट होता है, थ्योरी जो है इट इज अंडर प्रोसेस, कि अभी वो बात पता नहीं है। बिग बैंग थ्योरी का एग्जाम्पल दिया ना, पसीना भी आ रहा है। स्पिरिचुअल डायरेक्शन में घुस जाओ, भगवान होते हैं नहीं होते हैं? सैकड़ों थ्योरी मिल जाएंगे, मुझे कुछ भी नहीं पता इस पे। और कहाँ कहाँ थ्योरी मिलेगा आपको? एटम का एग्जाम्पल दिया था ना, प्रोसेस जो चलता है अभी एटम के ऊपर, ज़्यादा सारी बात नहीं पता, बहुत पता है, तो वो भी अभी थ्योरी में ही है। और जो प्रिंसिपल होता है ना, जब हम प्रिंसिपल वर्ड इस्तेमाल कब करते हैं, ये ना बीच का होता है, बिचौलिया, बीच का। हाँ, क्या क्या गैस करो? इसके लिए वर्ड हम इस्तेमाल करते हैं, दिस इज लेस जनरल, जनरल स्टेटमेंट। अभी मैं बताता हूँ, अभी बताता हूँ, अभी बताता हूँ, सोचते रहना मेरे साथ, सोचते रहना, नहीं तो सारी कहानी बकवास हो जाएगी। क्या कह रहा हूँ? बकवास कर रहा हूँ मैं? नहीं, बकवास नहीं कर रहा हूँ। आई फॉलो सम बुक्स, आकाशवाणी नहीं होता ऑब्वियसली, मैं भी तो इंसान हूँ यार, बुक ही तो पढ़ूंगा। तो आई फॉलो सम बुक्स, यू शुड फॉलो NCERT। आई डिड फॉलो NCERT एंड आई डू फॉलो NCERT। समझ रहे हो? समझ रहे हो? नहीं समझ रहे? समझो फिर, जबरदस्ती समझो इस बात को। प्रिंसिपल इज
लेस जनरल स्टेटमेंट, किस चीज़ के बारे में? लेस जनरल का क्या कि कभी कभी थ्योरी ना गलत भी हो, मान लो कभी एक तो होता है गलत ही बना दिया, पूरा का पूरा गलत बना दिया, जानबूझ के नहीं बनाया कि मैं जानबूझ के, ऑब्वियसली कौन जानबूझ के थ्योरी गलत बनाएगा, लेकिन गलत वो ना एक्सप्लेन ही नहीं कर पा रहा, कंप्लीटली रॉन्ग, गलत ऑब्जर्वेशन हो गई थी, कोई भी कारण रहा होगा। तो लेकिन कुछ थ्योरीज ऐसी हो सकती हैं जो ज़्यादातर समय सही साबित होती है, बट ऐसा नहीं लग रहा कि वो 100% करेक्ट है, समझ रहे हो? तो ऐसी स्थिति में ना हम प्रिंसिपल लॉ इस्तेमाल नहीं करते, हम प्रिंसिपल वर्ड इस्तेमाल करते हैं, प्रिंसिपल, आर्किमिड्स प्रिंसिपल। अब तीन शब्द हो गए आपके पास, थ्योरी, लॉ, प्रिंसिपल, एंड दैट इज आफ्टर, इसके बाद ऑब्जर्वेशन के बाद, गॉट इट? एंड द लास्ट वन रिजल्ट, कि जब रिजल्ट के बाद ही तो वो लॉ बन गया, वेरिफिकेशन के बाद ही तो लॉ बन गया। लेकिन रिजल्ट पे थोड़ा मुझे बताना है, कुछ ना स्क्रीनशॉट वगैरह ले लिया करो 2-4-5 दिन के लिए, जब रिवाइज मारते ना, जब देखोगे इस बात को तो ये याद रहेगा ना, ये याद रहेगा ना। तो एक होता है हीमोग्लोबिन ब्लड में, प्लेटलेट्स, WBC, RBC, एक ये भी होगा, दिमाग में घुस के जाएगा, सारा रिवाइज करा देगा आपको, पढ़ रहे होगे ना, कोई भी सब्जेक्ट पढ़ रहे होगे, थिंक अबाउट दीज पैटर्न्स, ऑब्जर्वेशन, थ्योरी मेकिंग, एक्सपेरिमेंटेशन एंड वेरिफिकेशन, हर जगह आप रियलाइज, जब क्वेश्चन पढ़ते हैं, क्वेश्चन कह रहे हो कि सर माई सेल्फ नवीन राय, मेरा नाम नवीन राय है और मैं कोशिश कर रहा हूँ, बल्कि कर ही रहा हूँ, कोशिश थोड़ी करते हैं। अब देखो ये पेन है, इसको कोशिश करूँगा उठाने का, उठ जाएगा? नहीं उठेगा, लेकिन उठा लूँगा ना तो उठ जाएगा, देखो कोशिश कर रहा हूँ, नहीं उठ रहा, उठा लूँगा उठ जाएगा। तो मैं कोशिश नहीं कर रहा हूँ, मैं डायरेक्टली आपको बता ही रहा हूँ, माई सेल्फ नवीन राय। सम ऑफ माई रिलेटिव यूज पटेल नवीन, माई सेल्फ नवीन राय, कॉल मी वट एवर, माई सेल्फ नवीन, कॉल मी नवीन, माई सेल्फ वे ओए, यस, किसी ने तो मुझे ओए भी बोला है, ओए क्या बोला था मुझे, माई सेल्फ बोला नहीं क्या बताना था, रिजल्ट, ओके रिजल्ट। तो रिजल्ट के बाद ऑब्जर्वेशन थ्योरी रिजल्ट, एक्सपेरिमेंटेशन एंड देन रिजल्ट। रिजल्ट पे देखो, इफ वी वर्क ऑन, इसको मिटा दें एक बार, इसको मिटा दो मुझे पहले, फिर मैं बात अपनी, शाबाश। देखो ये सारा इंपॉर्टेंट कैसे है, आपको ना आपके दिमाग में ना एक ऐप क्रिएट हो रहा है टू थिंक लाइक दिस। हमारी बात शुरू कैसे हुई थी, बात व्हाट इज साइंस, साइंस क्या होता है, अब मैं शुरू नहीं हो रहा, बस आप बात को रिवाइज कराओ, दिमाग लगाओ, दिमाग नहीं लगाओ मतलब सोचो जरा, साइंस क्या होता है, साइंस का मतलब होता है जानना, इन व्हाट वे, जानना इन अ सिस्टमैटिक वे, व्हाट इज दैट सिस्टमैटिक वे, तो सिस्टमैटिक वे एज सम प्रोसीजर,
वॉट इज दैट प्रोसीजर? द प्रोसीजर इज, द बेस ऑफ द प्रोसीजर इज ऑब्जर्वेशन, थ्योरी, एक्सपेरिमेंटेशन, रिजल्ट. वॉट इज ऑब्जर्वेशन? ऑब्जर्वेशन थ्रू अवर फाइव सेंसेस, आईज, नोज, ईयर, टंग, स्किन. पांचों दुरुस्त, ऑब्जर्वेशन अच्छा. वन मोर थिंग नीडेड, वॉट इज दैट? दैट इज बी अलर्ट. अलर्ट रहो, आपको अच्छा दिखेगा, आपको अच्छा सुनाई देगा, आपको अच्छा समझ आएगा, आपको सारी सारी इंफॉर्मेशन अच्छी अच्छी जाएगी. समझ रहे हो ना बात को? देन कम्स थ्योरी मेकिंग, गैस करना.